आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा ने सोमवार को आदित्यपुर स्थित राजद के प्रदेश महासचिव सह प्रभारी पूर्वी सिंहभूम पुरेंद्र नारायण सिंह के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरेंद्र नारायण सिंह लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का लाभ पूरे झारखंड को मिले, इसके लिए मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत में पूरी दुनिया के विभिन्न धर्म और पंथ के लोग निवास करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 1 अरब 40 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। बावजूद इसके चुनावी सभाओं में बार बार देश में हिंदू मुस्लिम करना भाजपा की हताशा को परिलक्षित कर रहा है। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए इसे देश का सबसे बड़ा धोखा करार दिया। साथ ही कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, जो एक महान अर्थशास्त्री है, ने कहा कि भाजपा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। यदि केंद्र में फिर से यह सरकार बनती है तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। श्री राणा ने कहा कि हमें भाजपा को हराने के लिए एकता का परिचय देना होगा। झारखंड में राजद का जनाधार है, जरूरत है उसे एकजुट करने की, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उसका लाभ ले सके। तो हमारे माननीय गौतम सागर राणा जी आए हैं और उनका यहाँ पर इसलिए आना जरूरी हो गया कि हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं समीर महांती जी और हमारे जो माननीय लालू जी का जो कहना था कि जितने भी हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है उनका जीत सुनिश्चित करना है। और प्रदेश राजद के चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं सह पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। हमारे बगल में अजूत यादव जी हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हमीद अली जी हैं जो रांची से चल के आए हैं, तो जिला प्रदेश के महासचिव। यह चिंता सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है, बल्कि इस देश के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MY कुरैशी जी हैं, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि चुनाव आयोग के आंकड़े जहां 5 मिनट में आ जाने चाहिए, दूसरे दिन सुबह में 10 बजे तक आंकड़े पूरी तरह से एक्यूरेट आ जाना चाहिए, तो फिर ये आंकड़ा जो है सो कुछ दिनों के बाद प्रकाशित हो रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा वोट का अंतर है। ये शक प्रदान कर रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से यदि इसमें इस आंकड़ों को बढ़ाने में संलग्न है तो इसकी जांच की जानी चाहिए और सभी जगह इसकी जांच हो रही है। और हम यहां पर अभी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल पूरी शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन को झारखंड के 14 सीटों में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम आए हैं मोहंती जी के लिए जमशेदपुर में बैठक करने के लिए। शारदा देवी जी यहाँ चुनाव अभियान की संयोजिका है, हमारे साथ आबिद अली जी और अर्जुन जी भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम पूरी तरह से बूथों में और एरिया वाइज उनको मदद करेंगे और हम पूरी उम्मीद है हमारी कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। चाईबासा तो हम जीत ही रहे हैं और यहाँ से भी हम जीतेंगे। अभी वित्त मंत्री सीतारमण जी के पुत्री प्रभाकर जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया है और उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि मोदी जी 220 सीट से आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि यदि मोदी जी जीत जाते हैं तो इस देश में आने वाले दिनों में जनता को भारी संकट का मुकाबला करना पड़ेगा। कि छिंदवाड़ा में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया कि मंगलसूत्र छीन करके जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनको बांट दिया जाएगा, और उसके बाद से लगभग 15-16 भाषण उन्होंने दिया
जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। भारतवर्ष की विशेषता हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, तो वो अपने ही देश के नागरिकों के साथ 1,40,00,000,000 के प्रतिनिधि होने पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश का मानसिक विभाजन कर रहे हैं, यह उनकी हताशा का प्रतीक है। महंगाई बेरोजगारी पर बोलते नहीं हैं, अभी कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है यूपी में, 358 चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए वहाँ 23,00,000 से अधिक आवेदन आए, तो ये उनके यहाँ बेरोजगारी का हाल है डबल इंजन की सरकार में। तो ये जो इस देश का चुनाव है, इस बार विशेष चुनाव है, गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच में, देशभक्तों और अंधभक्तों के बीच में, जो न्याय चाहते हैं उनके लिए और जो अन्याय करेंगे उनके बीच में यह चुनाव है। और इस चुनाव में जनता आगे है और तमाम झंझावतों के बाद जनता यह चुनाव लड़ रही है, और हम पूरे देश में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, इस ओर हम बढ़ रहे हैं।